इस रिपोर्ट में देखिए। पहले बाढ़, अब बारिश का सितम, आफत में जिंदगी, उम्मीदें बेदम, शहर बने तालाब, सड़कें लबालब, पानी के कहर से उजड़ गया सब। पहले बाढ़ के प्रकोप से प्रदेश बेहाल था, अब भारी बारिश ने लोगों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। सबसे पहले कुदरत के कहर को देखिए, उन्नाव के गंगा किनारे रह रहे लोग दहशत में हैं। ये तस्वीरें उन्नाव के गंगा घाट इलाके के रविदास नगर की हैं, जहां कटान की वजह से एक घर गंगा में समा गया। गंगा के कटान में मकान के समाने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। वहीं कटान की वजह से लोग दहशत में हैं। इसका घर मतलब एकदम से 5 मिनट में पूरा घर गया। उसके बाद चंद्रशेखर का जो घर है वो कगार पे लटका हुआ है और जो है वो भी शाम तक जा सकता। एसडीएम सदर ने बताया कि गंगा में तेज कटान से जो मकान गंगा में समा गया है, उस परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और मदद की जाएगी। उसमें जो भी मकान का गृहदान होता है सरकारी तरफ से, वो लोग हम लोग उनको देंगे। ये सहायता हमें दिया गया और उनको एक घर तक पहुंचा दिया गया है, वो सब सेफ है। देवरिया में भारी बरसात के बाद पानी ने अपना कहर दिखाया है। जिले में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मिट्टी के मकान गिर चुके हैं। सबसे खराब हालात सरकारी प्राथमिक स्कूलों की है, जिसमें कई फीट तक पानी भरा हुआ है। बिल्कुल प्रकरण हुए हमारे यहाँ और उनको नियमानुसार जो आर्थिक सहायता है 4 लाख की उन्होंने कर दी। एक प्रकरण में पोस्टमार्टम उन्होंने नहीं कराया, काफी हम लोगों ने उनको बताया भी, तो वो उनको हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सहायता दे सकते हैं। बाकी एक व्यक्ति को जो है सहायता हम लोगों ने दी। स्कूल में पानी भर गया है, कई दिनों से बारिश हो रही है और बच्चे इसी में थोड़े आ रहे हैं, हम लोग भी आ रहे हैं। परिया में स्कूल तो खुल चुके हैं, लेकिन वहीं प्राथमिक स्कूल के बच्चे पानी में, घुटने भर पानी में स्कूल जाने पे मजबूर हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देवरिया रामनाथ देवरिया जो नगर क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ के स्कूली बच्चे जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं स्कूल जाने में मजबूर हैं और इसी पूरे पानी में जा करके पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में बारिश के कहर से कोतवाली भी नहीं बच पाई। देवरिया में भारी बरसात के पानी ने अपना कहर दिखाया। वर्दी से लेकर फाइलें सब भीग गई हैं। चंदौली में भी तस्वीर राहत देने वाली नहीं है। यहां 2 दिन से बारिश रुकने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। सड़क के ऊपर से अभी भी पानी बह रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन पीड़ितों की सुध नहीं ले रहा। सिद्धार्थनगर में नदियों का बढ़ा जलस्तर लोगों के लिए मौत साबित हो रहा है। इटवा तहसील इलाके के पचपेड़वा गांव में नदी में डूबने से एक मासूम बालिका की मौत हो गई, तो वहीं एक बालिका नदी में लापता है। धंधा पर वहीं एक जन ने फोन लगाया तो जानकारी हुआ तो भागा है। कितने साल का था बच्चा? 8 साल का। बच्चों को बचा लिया गया है और इसमें से एक बच्चा की डेथ हो चुकी है और एक बच्चा जीवित बचा लेगा, जिसमें से एक बच्चा अभी भी लापता है जिसका ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और वो जारी है, लेकिन अभी तक वो मिल नहीं पाया है। लोगों को नदियों ने पहले ही उजाड़ दिया था, अब बारिश ने बर्बादी के जो निशान दिए हैं उससे कई जिलों में हाहाकार मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए बढ़ते हैं आगे। महंगाई कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सपा कार्यकर्ता आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करते